हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ऑटो व्लॉग। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं वीडियो में, ये है निसान की एक्स ई वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट रहने वाला है। सबसे बेस वेरिएंट है, सबसे नीचे का वेरिएंट है। इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। सबसे पहले इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट की प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस है 5,97,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और इसकी की बात करें तो नॉर्मल सिंपल की मिलती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलती, यहाँ पर देख सकते हो दोनों की सिंपल मिलती है आपको। सेंटर लॉकिंग वगैरह आफ्टर मार्केट या एसेसरीज में अलग से लेनी पड़ेगी। इसके इंजन की बात करते तो इसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 71 BHP पावर निकालता है और 96 Nm का इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। अब एक बार इसका आपको मैं फ्रंट का लुक चेक कराता हूँ, फ्रंट से कैसी क्या लगती है कार। ये देख सकते हैं, ये है इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक। अब सबसे पहले इसके सेंटर से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं निसान की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर निसान का लोगो दिया गया बड़ा सारा और इसके अंदर निसान लिखा हुआ भी मिल जाता है। और ग्रिल है जो इसकी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैट पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है, जो कि ग्रे से कलर में लगती है, डार्क ग्रे के कलर में दी गई है। और यहाँ पर इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं क्रोम की फिनिश मिल जाती है, जो कि इसके लुक को थोड़ा इन्हेंस कर देती है। नीचे की साइड कोई स्कफ प्लेट वगैरह नहीं मिलती, नीचे की साइड नॉर्मल आपको डार्क ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, जो कि मैट ब्लैक की फिनिश दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्रेसर के लिए ग्रिल भी इसी ग्रिल में ही प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको हॉर्न वगैरह विजिबल हो रहा होगा, कंप्रेसर वगैरह इसका विजिबल हो रहा होगा। इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैलोजन बेस इसका हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये लो बीम हाई बीम पर काम करता है और यही नॉर्मल काम करता है। यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया, ये भी हैलोजन बल्ब में दिया गया है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइट दी गई है। और इसके अंदर फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम की फिनिश दी गई है एल शेप में, जो कि अच्छी लगती है। नीचे की साइड यहाँ पर जगह दे रखी है, आप आफ्टर मार्केट या एसेसरीज में फॉग लैंप लगवा सकते हैं। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड से भी मैं आपको इसका एक बार लुक चेक कराया था, साइड से कैसे क्या लगती है। ये है कुछ इस तरीके से साइड का लुक। साइड से देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजिबल होगा कि ये बेस वेरियंट है। इसके अंदर ना कोई एलो व्हील्स मिलते हैं, ना कोई व्हील कवर वगैरह दिए गए हैं। इसके अंदर टायर की बात करें तो इसके अंदर MRF का टायर मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 195/60R 16 inches का इसके अंदर टायर मिलता है। स्टील रिम मिलती है, जो कि सिल्वर कलर में मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से व्हील बेस एरिया दिया गया है, ठीक व्हील बेस एरिया मिल जाता है, क्योंकि SUV टाइप कार है और बजट के अंदर भी कम है। अगर आप हैचबैक वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस गाड़ी की तरफ जरूर देखना। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, क्योंकि SUV कार्स में आपको क्लैडिंग मिलती ही है। यहाँ पर फेंडर पर इंडिकेटर दिया गया है, फेंडर के ऊपर की साइड आपको निसान मैग्नाइट की बेजिंग मिल जाती है, मैट में दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं डार्क क्रोम की फिनिश में मैग्नाइट लिखा हुआ मिल जाता है आपको। और इसका जो ORVM है वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपको बॉडी कलर में नहीं मिलता, मैट की फिनिश मिलता है। अगर इसका आप ORVM देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बेस वेरिएंट है। ये ना तो ऑटो एडजस्टेबल मिलता है, ना ऑटो फोल्डेबल मिलता है, इसको आपको मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा। और मैन्युअली अंदर से नॉब दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। और इसके डोर हैंडल से वो आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं, जैसे कि अभी ये वाइट कलर है तो ये बॉडी कलर में इसका डोर हैंडल दिया गया है। ए पिलर मैट ब्लैक की फिनिश में दिया गया है, बी पिलर भी मैट ब्लैक की फिनिश में मिल जाता है, और सी पिलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉडी कलर में दिया गया है। ऊपर की साइड आपको ग्रे की फिनिश में आपको रूफ रेल मिल जाती है। अब चलते हैं रियर की साइड, रियर में क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। रियर का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका ये रियर का लुक है। सेंटर में निशान का लोगो प्लस बेजिंग दी गई है। नीचे की साइड मैग्नाइट की बेजिंग क्रोम की फिनिश में मिल जाती है। और इसके अंदर बेस वेरियंट होने के बाद में भी आपको इसमें डिफोगर प्लस वाइपर दिया गया है। यहाँ पर ब्रेक लाइट मिल जाती है, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाता है इसके अंदर। और इसके टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पर LED टेल लैंप का सेटअप मिलता है। टॉप वेरिएंट में भी सेम इसी तरीके का टेल लैंप का सेटअप दिया गया है। यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन मोड पे काम करती है, यहाँ पर ब्रेक वगैरह प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगी। यहाँ पर हैलोजन में इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स लाइट दी गई है। नीचे की साइड टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और 2 रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। इसका प्लेट वगैरह रियर में नहीं मिलती, यहाँ से देख सकते हैं कुछ तरीके से इसका एडजस्ट पाइप भी विजिबल होता है। अब चलते हैं इसके साइड से, साइड से भी आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये साइड का लुक है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका फ्यूल टैंक है वो इसका इस साइड दिया गया है। 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब मैं आपको इसका बूट वगैरह ओपन करके बता देता हूँ बूट में क्या कुछ मिल जाता है। अब इसका बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर सेंसर दिया गया है, जैसे कि आप सेंसर वगैरह प्रेस करेंगे तो आप इसका मैन्युअली बाहर से बूट ओपन कर सकते हैं। की वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं, अंदर ना कोई नॉब की ज़रूरत। और इसके बूट स्पेस की बात करें तो 3
36 लीटर का इसका बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा डिसेंट स्पेस देख सकते हैं आप वीडियो में, आपको विजिबल हो ही रहा होगा किस तरीके से इसका बूट स्पेस मिलता है। इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो इसके जो टायर साइज की बात करें तो देख सकते हैं 185/65 R15 इंचेस का इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलता है, रेड कलर में दिया गया है। नॉर्मल इसके 16 इंचेस के टायर है, आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील वो 15 इंचेस का मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हुक वगैरह दिए गए हैं, इसके अंदर लैंप वगैरह नहीं मिलता। अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ, ड्राइवर साइड डोर की तरफ आपको क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब इसके ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका ड्राइवर साइड डोर मिल जाता है। ड्राइवर साइड डोर में सब कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। बेस वेरियंट होने के बाद में भी ये आपको गाड़ी इतनी लगेगी नहीं कि ये बेस वेरिएंट है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से लॉक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैट की फिनिश में इसका डोर लीवर दिया गया है और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं है तो आपको की से ही ओपन करना पड़ेगा डोर को। यहाँ पर देख सकते हैं बोतल होल्डर दी गई है, कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है, स्पीकर की जगह दी गई, स्पीकर वगैरह आपको इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता, आपको आफ्टर मार्केट या एसेसरीज में इसका म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फैब्रिक में पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है जो कि ठीक ठाक मिलता है, अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, सॉफ्ट टच दिया गया है। और जिसकी सीट्स है वो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती, इसके अंदर नॉर्मल सीट्स मिलती है, रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, बाकी हाइट एडजस्ट नहीं मिलती। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल टैंक का लीवर दिया गया है और इसकी जो सीट्स है वो आपको फैब्रिक में दी गई है। सीट्स 3 पेडल्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड डेड पेडल नहीं दिया गया। यहाँ पर हेडलैम्प की लेवलिंग वगैरह दी गई है, कुछ इस तरीके से इसका इग्निशन मिल जाता है। यहाँ पर की वगैरह इंसर्ट करके आप इसका इग्निशन वगैरह ऑन कर सकते हैं। अब मैं बैठता हूँ कार के अंदर, अंदर से आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका डी शेप में इसका स्टेयरिंग मिल जाता है, यहाँ से फ्लैट बॉटम मिलता है। पर इसका स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, इसका स्टेयरिंग से भी ऐसा लगता है कि ये बेस वेरिएंट नहीं है। यहाँ पर निसान का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर सिल्वर की फिनिश दी गई है। यहाँ पर पूरी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिल्वर की फिनिश मिल जाती है। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं मिलते क्योंकि इसके अंदर ना तो म्यूजिक कंट्रोल मिलते हैं ना क्रूज कंट्रोल मिलते हैं, क्योंकि प्राइस भी बहुत कम है, कहीं ना कहीं कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। अब इसके इग्निशन की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इग्निशन मिल जाता है। मैं करता हूँ इसकी इग्निशन ऑन, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इग्निशन दिया गया है। यहाँ पर RPM मीटर दिया गया है, इधर टेम्परेचर वगैरह का दिया गया, यहाँ पर फ्यूल वगैरह का मीटर दिया गया है। सेंटर में आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर दिया गया जो कि डिजिटल मीटर मिलता है। फ्यूल यूज़ वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो नोब है वो आप कुछ सोच रहे होंगे कहाँ पे, ये है इसका नोब, ये इसका नोब है। यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज वगैरह, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज वगैरह सब इसके अंदर शो होती है, जो कि अच्छा फीचर लगता है मेरे को इसके अंदर। अब इसके डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डुअल टोन कलर में इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, ब्लैक प्लस क्रीम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, ना कोई स्क्रीन मिलती, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, दोनों सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिल्वर की फिनिश दी गई है इसके एसी वेंट्स के अंदर। और ये देख सकते हैं ये क्रीम कलर मिलता है जो कि आप बीज कलर भी बोल सकते हैं, पर बीज से थोड़ा लाइट कलर है जो कि अच्छा लगता है, थोड़ा गंदा होता है बाकी ठीक लगता है कलर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मैनुअल क्लाइम कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल नहीं मिलता है। इससे अपर वेरिएंट पे जाएंगे XL वेरिएंट पे, उसमें आपको मैनुअल क्लाइम कंट्रोल वगैरह सब मिल जाएगा, उसके अंदर सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, सेंटर लॉकिंग वगैरह सब के सिस्टम है, वो भी वीडियो चैनल मेरे चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बीच कलर की कॉम्बिनेशन दिया गया जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पर भी स्टोरेज एरिया मिल जाते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, फोन वगैरह भी रख सकते हैं आराम से कुछ इस तरीके से। इसके अंदर जो गियर नोब है टॉप मॉडल में भी सेम इसी तरह का गियर नोब आता है और बेस वेरिएंट में भी इसी तरीके का गियर नोब मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं लेदर की फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर भी सिल्वर की फिनिश दी गई है। दो कप होल्डर मिल जाते हैं, अच्छा खासा स्पेस है कप होल्डर्स में। यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया गया, यहाँ पर क्रोम की फिनिश मिल जाती है, बाकी इधर कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो डीप स्टोरेज है, कूल्ड वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता, ना कोई लैंप मिलता, ठीक स्पेस मिलता, अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है अदर गाड़ियों से कंपैरिजन करें तो। IRVM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता है इसके अंदर। सनवाइजर की बात करें तो ड्राइवर साइड को टिकट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड। पैसेंजर साइड की बात करें तो मिरर दिया गया है, क्योंकि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिरर मिल जाता है इसके अंदर। और इसके लैंप की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से येलो लाइट निकालता है लैंप, क्योंकि ठीक लैंप मिलता है। ये फ्रंट में मिलता है, रियर में भी लैंप दिया गया है। ग्रैब हैंडल फोल्डेबल दिए गए, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है इसके अंदर। रियर में दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और फ्रंट में भी दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, टोटल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं बेस वेरिएंट होने के बाद में भी। अब चलते हैं इसके रियर साइड में, रियर साइड में क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। चलते हैं इसके रियर साइड की तरफ और ये देख सकते हैं कुछ यहाँ से इसका जो ORVM है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। नोब वगैरह दिया गया है,
रियर डोर की बात करें तो रियर डोर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रियर डोर मिलता है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया गया है फैब्रिक में, यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर की फिनिश दी गई है, नीचे बोतल होल्डर कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, और जिसके लीवर है वो देख सकते हैं यहाँ पर मैट की फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर इसको डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर लॉकिंग नहीं है। तो अब बैठता हूँ अंदर, अंदर से इसके स्पेस की बात करें तो ठीक स्पेस मिल जाता है रियर का, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रंट से डैशबोर्ड लगता है इसका, जो कि अच्छा लगता है। और मेरे को अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक मिल रहा है और लेग रूम भी ठीक मिल रहा है। ये थोड़ी सीट थोड़ी पीछे है, अभी मैंने सीट्स को एडजस्ट नहीं की, थोड़ी ज़्यादा पीछे हो रही है। बाकी देख सकते हैं आप लेग रूम, अब अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है मेरे को। और रियर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर येलो लैम्प मिल जाता है और ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, यहाँ पर फोल्डेबल, यहाँ पर कोट होल्डर दिया गया है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं रियर में भी दो, और इधर भी आपको कोट होल्डर मिल जाता है। बस ये तो निशान मैग्नाइट एक्स ई बेस वेरिएंट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं निशान मैग्नाइट जयपुर में, अगर आप हैं और निशान मैग्नाइट वगैरह अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मिले गाड़ी, तो आप आराम से राजा पार्क में निशान के शोरूम पे आ सकते हैं, आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दोनों में ऐड कर दिया, तो आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।